तो मैंने MBA कौन से कॉलेज से किया, मेरी स्पेशलाइजेशन क्या थी, और उसके बाद मेरी फर्स्ट जॉब क्या थी, सेकंड क्या थी, और ये मैंने कब स्विच की, फर्स्ट सैलरी क्या थी, उसके बाद सैलरी क्या हुई, स्विच मैंने कब किया, क्यों किया, क्या रीज़न था और कैसे स्विच किया। तो यही सारे सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो गाइज हाय एंड वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल जिसका नाम है श्योरली इंटरेस्टिंग, और थैंक यू सो मच गाइज आप लोग सपोर्ट करो, बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को देख के कि जो मैं मैसेज जो चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुंच रही है, जो मेरा मोटिव है वो कहीं ना कहीं मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो स्टार्ट करते हैं गाइज इसका वीडियो बिना किसी फालतू चीज़ों के, ठीक है। तो बात करते हैं मैंने MBA कहाँ से, काफ़ी लोगों का सवाल है, ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी वीडियोस में बना चुका हूँ या बता चुका हूँ ये चीज़ें और कमेंट में बताते रहता हूँ, लेकिन मुझे लगा काफ़ी सारे लोगों का सवाल है तो मुझे इसके लिए ना प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, राइट, जैसे कॉलेज स्पेशलाइजेशन, क्यों स्पेशलाइजेशन लिया, क्या ये सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो मेरा कॉलेज था, उससे पहले बता दूँ, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट लखनऊ, ये लखनऊ के अंदर है राजाजीपुरम में, ओके, वहाँ से मैंने जो है MBA किया था। अब बात करते हैं MBA से पहले मेरा बैकग्राउंड क्या था। MBA से पहले मेरा बैकग्राउंड था BSc, मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया था PCM से, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि मैंने BSc के बाद MBA क्यों किया, तो गाइस देखो लिटरली देखो मैं ऐसे हवा नहीं बनाना चाहता अपनी कि यार देखो मैंने बहुत प्लानिंग की थी, सोचा था, ऐसा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा लिटरली, देखो BSc किया था मैंने, उसके बाद मुझे कुछ ठीक ऑप्शन दिख नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं सजेशन मिला जिन लोगों ने ऑलरेडी MBA किया था, जो अच्छी पोजीशंस पे थे कि MBA विल बी द गुड ऑप्शन, तो उसके हिसाब से मैंने किया, ठीक है। मतलब किया मतलब उनका मैंने सजेशन लिया, फिर मैंने भी रिसर्च किया प्रॉपर, उन्हें ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा मैंने एडमिशन ले लिया, प्रॉपर मैंने रिसर्च किया, चीज़ें देखी किस तरीके से होती हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या मैं जॉब ले सकता हूँ, क्योंकि BSc से मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा कुछ आगे करियर ग्रो कर पाएगा, ठीक है। उसमें एक ऑप्शन था या तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकता हूँ, तो वहाँ पर मेरा इंटरेस्ट कह लो या फिर टाइम कह लो बिल्कुल कम था मेरे पास, मुझे ये था कि जल्द से जल्द मुझे जॉब लगानी है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी ठीक नहीं थी करके, ठीक है। तो अब सवाल ये आया कि MBA कहाँ से करें, तो वहीं से जिन्होंने मुझे MBA के बारे में बताया था उन्होंने सजेशन लिया मैंने, तो कैट वेट तो मैं उस समय प्राइस सुना था बट ये नहीं पता था क्या प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो उन्होंने मुझे एग्ज़ाम का एक नाम बताया था जिसका नाम होता है UPSEE, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसके थ्रू मैंने ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और MBA का सिलेक्शन हुआ उसमें मेरा। तो उसमें क्या ना जैसे BTEC, MBA, BBA सारे कोर्सेज के लिए ना कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराते हैं, जैसे गेट होता है आपने सुना होगा, ऐसे कैट होता है, ऐसे UP की कॉलेजेस के लिए एक उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और उसमें सारे ये चीज़ें होती हैं MBA, BTEC सारी चीज़ें। तो वहाँ मैंने एग्ज़ाम दिया और उसमें रैंक मेरी लगभग आई थी 576 ऐसा कुछ समथिंग रैंक आई थी, तो ठीक ठाक आ गई थी, तो इसमें चांस ये बन गया था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि अगर प्राइवेट से करते तो भाई आप लोगों को भी पता है कि प्राइवेट का खर्चा क्या होता है, कि मिनिमम से मिनिमम में जाऊँ तो लगभग 8-10 लाख रुपए तो कम से कम है ही, उससे कम क्या ही होगा जैसा मुझे लगता है। तो प्लान हमारा ये था एग्ज़ाम देने के बाद में कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो फीस भी कम हो जाएगी और उसके बाद स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है वहाँ से, तो काफ़ी इजी तरीके से MBA हो जाएगी और आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं, तो फाइनेंशियली भी काफ़ी हेल्प होगी उसमें, ठीक है। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरी रैंक आई 576 और उसमें एक ऑप्शन आता है एग्ज़ाम टाइम पे या फिर काउंसलिंग टाइम पे कि आपको कौन कौन से कॉलेज चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसके गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी सारे सर्च करे और शायद तीनों ही कॉलेज मुझे लखनऊ के दिखे थे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं MBA की, इस मतलब UPSEE से जो कराते हैं, ऐसे एडमिशन तो किसी प्राइवेट में ले सकता हूँ बट गवर्नमेंट कॉलेज जो था इसमें पहला तो ये था अपना एक ICCMRT करके होता है, आपने सुना होगा है वो, एक IGICM ये था, इंदिरा गांधी कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, एक और कोई था जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो तीनों मैंने डाले थे और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है मैंने सेकंड नंबर पर डाला था, पहले पे ICCMRT साइड डाला था मैंने, ठीक है। अब उसमें डालने का रीज़न क्या था कि फ़ीस IGICM में बहुत कम थी, सबसे कम फ़ीस इसी की थी, और पर ICCMRT की थोड़ी ना वो क्या बोलते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर कहते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो लोग जो सेलेक्ट होते हैं, प्लेसमेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा था, ऐसा मैंने उनकी वेबसाइट वगैरह पे सारा चेक किया था, इतना इसमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं था, मतलब उसके मुकाबले इतना नहीं था, इसमें पर इतना नहीं था,
फीसस में सारे सबसे कम थी। थर्ड पे एक और था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज ही था। तो फॉर्चुनेटली मुझे IGACM का ऑप्शन मिल गया फर्स्ट राउंड में। अगर मैं शायद रुकता थोड़ा और वेट करता, क्योंकि इसमें ना काउंसलिंग काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड आप भी कराते होंगे जैसे गवर्नमेंट कॉलेज जिनका होता है किसी भी कोर्स के लिए, तो अलग अलग राउंड्स होते हैं। तो शायद अगर मैं सेकंड या थर्ड राउंड के लिए वेट करता हूँ, शायद हो सकता था कि मुझे फर्स्ट वाला कॉलेज ही मिल सकता था ICSMRT, क्योंकि ठीक ठाक रैंक थी, 576 नॉट अ बैड रैंक, ठीक है। तो पर मैंने वेट नहीं किया, मुझे लगा कि अभी ले लेना चाहिए, क्या ही वेट करना। तो मेरे ना पेशेंस के अंदर, मेरे अंदर बहुत कमी रहती है पेशेंस की, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव करना कि पेशेंस होना ज़रूरी है, कि थोड़ा मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं, बात फिर आगे में स्टार्ट करते हैं, वहाँ तक हो गए। IGICM में हमने एंट्री ले ली, हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। अब सवाल ये था कि MBA हमारे लिए बिल्कुल नया था, BSc हमने पढ़ाई करी थी, उसमें हमें फाइनेंस, HR, मार्केटिंग कुछ दूर दूर तक रिलेशन बिल्कुल नहीं था, सुने ही नहीं थे। HRM ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, HRM क्या समझते थे, जो कंपनी में प्लेस क्या बोलते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, वो HR होता है। हमें ये नहीं पता कि HR नाम का एक सब्जेक्ट भी होता है, HRM करके उसकी स्पेशलाइजेशन भी होती है, कुछ मतलब आइडिया नहीं था। बट हाँ, एक्साइटमेंट थी, बट ये था कि देखो यार MBA में एडमिशन ले तो कुछ तो करना है, ये तो मन में था, ऐसा नहीं था। मुझे एक चीज़ मैंने कन्फर्म कर ली थी कि एवरेज बन के तो नहीं रहना है, क्योंकि तो यार स्कूल में भी ठीक ठाक मामला था, बट कॉलेज में जब गए तो ग्राफ मेरा थोड़ा नीचे लग गया था। तो गाइस BSc भी ना मैंने एक नॉर्मल एक गवर्नमेंट कॉलेज से करी थी, तो हमारे मथुरा, अब मुझे नहीं पता कि BSc में हर जगह ऐसा होता है कि नहीं होता है, कितना कुछ पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, बस ये कि डिग्री ले लो, बस काम करो। तो गवर्नमेंट कॉलेज था, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पता ही क्या चीज़ है, किस तरीके से होती है। BSc में की बात कर रहा हूँ मैं ऐसा नहीं कर रहा कि सारे कोर्सेज में ऐसा होता है, ठीक है। तो बात फिर यहाँ तक चल रही थी, और उसके बाद पर MBA में जब एडमिशन लिया तो एक एम्बिशन था कि यार नॉर्मल बन के तो नहीं रहना है, कि कुछ एक ऐसी पहचान ज़रूर बनानी है कि लोग बाई नेम जाने मुझे, कि भाई एक शुभम नाम का लड़का है जो MBA में एडमिशन लिया है उसने, तो है कोई, मतलब बाई नेम जाने कोई, अगर पूछने आए कि भाई शुभम से मिला तो बता सके हर कोई। ये मेरा एक इंटेंशन था, और एक्साइटमेंट भी थी कि यार MBA मतलब मेरे माइंड बहुत बड़ी चीज़ थी, जो कि है भी, लिटरली है भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो एक ये था कि भाई ये मुझे करना है, ये मन बना लिया था कि भाई MBA में मतलब बस नाम बनाना है, ये इंटेंशन था। तो स्टार्टिंग से ही दिमाग लगाया, चीज़ों को सीखा, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था, चीज़ों को समझ रहे थे, और उसमें कंप्यूटर में तो स्टार्टिंग से मेरी रुचि थी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से, मैंने एक कोर्स भी किया था, मैं वो आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि एथिकल हैकिंग कोर्स मैंने किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग का किया हुआ है गूगल से, सब वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। और फिर भी आपको नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूँगा, ट्राई करूँगा कि आई बटन में भी मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हो जिसमें मैंने अपने सारे सर्टिफिकेशंस दिखाए हैं जो MBA के साथ साथ ही MBA के अलावा मैंने किए हैं। तो सब्जेक्ट नॉर्मल वही थे, मार्केटिंग, HRM, अपना ये कंप्यूटर, ऐसे दो तीन सब्जेक्ट थे, फाइनेंस वाला था, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। कंप्यूटर में तो कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि वो चीज़ें मुझे पहले से ही आती थी, और कुछ इतना टफ नहीं था, बेसिक उसमें सिखाए थे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ इनपुट, ये सब चीज़ें तो वो तो ऑलरेडी आती थी मुझे कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज थी उन चीज़ों की, तो उसमें कोई दिक्कत हुई नहीं। और लिटरली कई बार ऐसा हुआ कि क्लास मैंने खुद ली, मतलब मैं ऐसा अपनी वो नहीं कर रहा था, मतलब कई बार हुआ था कि जैसे कि इसमें एथिकल हैकिंग का एक ऑप्शन आया था, एक क्वेश्चन था फिशिंग भी उसमें सिखाते हैं, फिशिंग क्या होता है, तो फिशिंग के बारे में प्रॉपर मुझे नॉलेज थी कि फिशिंग क्या होता है, कैसे हैक की जाती है, तो प्रॉपर उसमें मैंने ऑलरेडी बना चुका था वीडियो काफ़ी साल पहले, एक दो साल पहले करीब। तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर कि इफ़ यू अलाउ कि मुझे इस टॉपिक के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, तो मैं शायद प्रैक्टिकल करके भी दिखा पाऊँगा आपको, तो वो चीज़ मैंने लिटरली प्रैक्टिकल करके दिखाई भी थी, तो चीज़ें इस तरीके चल रही थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। फिर अगला माइंड में क्वेश्चन ये आया कि अब स्पेशलाइजेशन कौन सी ली जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल आप लोग की तरह था एकदम लिटरली, कि क्या स्पेशलाइजेशन लूँ, क्यों लूँ, किससे क्या हो सकता है, किस तरीके से होता है। तो काफ़ी सीनियर्स भी थे, उनसे सलाह ली मैंने, इंटरनेट पर रिसर्च किया, जो प्रोफेसर्स थे उनसे सलाह ली, तो निकल के ये आया कि देखो यार फाइनेंस में तो यार देखो मैंने ट्राई सब में किया था, पर फाइनेंस वाली चीज़ें बिल्कुल या समझ में नहीं आ रही थी मेरे, तो मैं अपनी बता रहा हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वैसा था नहीं, और बिल्कुल चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, और इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था मेरा उसमें, क्योंकि देखो समझ में चाहिए जब भी आती, जब कुछ आपको इंटरेस्ट आ रहा होता है, इंटरेस्ट नहीं आएगा समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, लिटरली दोनों कनेक्टेड है। तो ये तो मन बना लिया था कि फाइनेंस तो नहीं लेना, ये तो क्लियर हो चुका था फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट या सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर हो गया था कि फाइनेंस तो नहीं लेना। अब अगला सवाल ये आता है कौन सा, उसमें एक तो फिक्स हो गया था मार्केटिंग, कि मार्केटिंग लेना ही लेना है,
क्योंकि ईजी है, ईजी मतलब क्योंकि उसमें चीज़ें स्टार्टिंग सिखाई जाती हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड होना ज़रूरी है तो भी समझ में आएगा। सेकंड चीज़ क्या है कि उसमें जॉब्स भी इजीली मिल जाती हैं, क्योंकि जॉब मुझे बहुत ईजी चाहिए थी, इतना टाइम नहीं था मेरे पास में, और ग्रोथ के चांस भी ज़्यादा होते हैं। जैसे आप टारगेट अचीव करोगे उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड ऑप्शन था मेरे जो माइंड में आया था, तो सी एस आया था, आईटी जो होता है, आईटी आईटी स्पेशलाइजेशन आया था, क्योंकि हमारे में डुअल स्पेशलाइजेशन था, मेजर और माइनर। तो मेजर तो मैंने मार्केटिंग कन्फर्म कर लिया था फर्स्ट ईयर में, और माइनर का आ रहा था कि कौन सा लें, कि आईटी लें या एचआर लें या क्या लें। एक इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट भी था आईबीएम करके जो होता है, और उसके अलावा था ऑपरेशंस था। तो ये चीज़ें मेरे थोड़ा समझ में आई नहीं, क्योंकि देखो तो मैं एकदम क्लियर बंदा हूँ कि जो चीज़ मेरे समझ में आती है ना, जो मेरे एरिया में है, जो मेरी पकड़ में है, उसी में मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। अब ऑपरेशंस के बारे में मुझे जानकारी थी भी नहीं, कई लोगों से पूछा, उनको भी प्रॉपर आइडिया नहीं था क्या जॉब मिली, किस तरीके से मिली, तो मुझे प्रॉपर उसकी पिक्चर क्लियर नहीं थी। तो एक ऑप्शन मेरा मार्केटिंग क्लियर था, सेकेंड ऑप्शन मेरा था आईटी और एचआर। तो काफ़ी लोगों ने सलाह दी कि आईटी आप एमबीए से करते हो उसका कोई फ़ायदा है नहीं, कुछ आगे ऐसा जॉब मिलने के चांस कम रहते, उससे अच्छा रहेगा कि एचआर में आप चले जाओ। तो इस तरीके से मैंने एचआर लिया, पर मुझे लग रहा है कि एचआर में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उस समय शायद मैंने आईटी ले लिया होता है तो शायद कहीं ना कहीं फ़ायदा, तो क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट भी था, चीज़ें मैंने करी भी हुई हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा था। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ठीक है, मैं आईटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था, मुझे चीज़ें समझ में आती थी कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेशलाइजेशन यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करी, एचआर और मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग मेजर में और एचआर माइनर में। अब देखो गाइस, आप लोग जब एमबीए में स्पेशलाइजेशन, काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करें, देखो गाइस, देखो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आपको। आप अपने जो है एमबीए के फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट करो, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करो, आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि आपको आगे एमबीए में कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है। आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और साथ के साथ ना रिसर्च करते चलो सारे स्पेशलाइजेशन के रिगार्डिंग, कि ये मेरे इंटरेस्ट वाले हैं, कि जैसे मुझे ये समझ में भी आ रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है, और उसमें क्या क्या ग्रोथ मिल सकती है। चार पांच ऑप्शन ऑब्वियसली आपके पास में होंगे, चार होंगे, तो उसमें दो क्या बेस्ट हो सकते हैं, क्या उसमें फ्यूचर ऑप्शन है, क्या ग्रोथ मिल सकती है, वो सर्च में आप करते रहो फ्यूचर के लिए। अपने सीनियर से सलाह लो, प्रोफेसर से बात करो फेस टू फेस में, कोई बुरी बात नहीं, आप ले सकते हो। उसके बाद में खुद ब खुद आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या जाना चाहिए। बट मैं जो सजेस्ट करता हूँ आप लोग को, कि देखो अगर आपका बीकॉम है तो चांसेस ये हैं कि आप, मैं भी यही कहूँगा कि फाइनेंस या एचआर में जाओ, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर नॉलेज होती है जो बैलेंस शीट वगैरह सारी चीज़ों की, जैसा मुझे लगता है। पर कई लोग को उसमें नहीं इंटरेस्ट होता है, तो फिर आप जा सकते हो। देखो कई लोग बीए करके आते हैं, बीएससी करके आते हैं, उनके लिए सबसे जो बेस्ट मुझे लगता है ना, वो मार्केटिंग रहता है, क्योंकि उसमें ना कोई ऐसे बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये आना चाहिए। उसमें सीखिए एकदम स्टार्टिंग से सिखाई जाती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है। मुझे तो लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी मार्केटिंग, कि आप लोगों की स्ट्रेटजीज़ को समझते हो, कि लोग बंदे क्या सोच रहे हैं, हमें क्या बोलना है, किस तरीके से, उसमें स्टेप बाई स्टेप सिखाया जाता है। स्पेशलाइजेशन हो गया, अब उसके बाद क्या है, प्रॉपर हमारा थर्ड सेमेस्टर हो गया, और उसके बाद में बात आती है प्लेसमेंट की। तो एक कंपनी आई थी हमारे कॉलेज में, नहीं उससे पहले बात करता हूँ, सॉरी, अपना आप क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप होता है, तो एयरटेल में मैंने एक इंटर्नशिप करी थी लखनऊ के अंदर ही। तो वहाँ पे प्रॉपर वही था कि B2B सेल्स थी, कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें जाके हमें ये सेल करना है, मतलब ऐसे 1-to-1 नहीं था कि हर एक बंदे को मैं दें, B2B था, बिजनेस में हमें ये जो CUG कनेक्शन होता है, क्लोज यूज़र ग्रुप, मतलब पूरी कंपनी जो एक नंबर ले लेती है, अपने एम्प्लॉइज़ को बांटती है, आपने सुना होगा ना कि कंपनी की तरफ से नंबर मिला था, वो CUG उसको बोलते हैं, क्लोज यूज़र ग्रुप। तो वो मैंने किया था, काफ़ी नया खून था, नहीं जोश थी, मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से किया, और मैंने उसमें मुझे कुछ स्टाइपेंड नहीं था, उसमें मना कर देता हूँ कि सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसा उन्होंने बोला था, पर मुझे सीखना था। बट उन्होंने ये कहा था कि जो आप सील करोगे, जो आप अचीव करोगे, उसका इंसेंटिव ज़रूर हम देंगे आपको, और डबल देंगे, मतलब जितना लिटरली उनको मिलता था, कि जैसे कि नॉर्मल जो लोग काम कर रहे थे उनका कुछ कम था, बट आप हमें बोला था कि आप अचीव करोगे इसका डबल, ऐसा हम करके देंगे। तो लिटरली कि मंथ के एंड होते साइड डेढ़ दो महीने की इस लिपलिंग वो मैंने इंटर्नशिप करी थी। तो मुझे तो ऐसा था ही नहीं कि मुझे कुछ पैसा मिलेगा, तो मैं तो बस दिमाग एकदम खोल के ना, आँखें खोल के एकदम किए जा रहा था अंधाधुंध, कि मुझे बस सीखना था क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं। उसमें एक मेंटर भी थी मेरी, ठीक है, उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ सिखाई थी। और उसके बाद मेरे मंथ एंड होते होते, इंटर्नशिप एंड होते होते, तो मैंने लगभग काफ़ी सारा काम कर दिया था, अच्छा खासा इंसेंटिव भी मुझे मिला था, तो लिटरली उन्होंने ईमानदारी से मुझे दिया था, ऐसा कुछ पेपर वर्क हम लोगों ने नहीं किया था, बट मिला था। दैट्स अबाउट माई इंटर्नशिप, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था
कि कैसे बोलते हैं लोग, कैसे कन्विंस करते हैं, क्या उनकी नीड होती है, कैसे हमें रिप्लाई करना होता है, काउंटर कैसे देना, सारी चीज़ मुझे वहाँ पता चली फर्स्ट टाइम। सेकंड उसके बाद बात करते हैं, थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था, एक कंपनी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आई थी, मतलब इंस्टीट्यूट में आई थी, एक रियल एस्टेट कंपनी थी, ABA, मतलब नाम मुझे लेना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो वो कंपनी आई थी, तो वहाँ पर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। अब लिटरली बात पता क्या कि जब थर्ड सेमेस्टर के बाद में प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब आप कंपनी जो अपना कॉलेज है आपको ना वो छूट दे देता है कि फोर्थ सेमेस्टर में आप चाहो तो क्लास ले सकते हो, नहीं तो सिर्फ डायरेक्ट एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो, NOC आपको मिल जाता है कॉलेज से, जो मुझे मिल गया था थर्ड सेमेस्टर के बाद ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था। तो अब लिटरली जिसमें मैंने एयरटेल में काम किया था ना, वो एयरटेल वाले भी हमारे कॉलेज में आए थे और उनकी डिमांड ये थी कि मैं उनके साथ जाऊँ, मतलब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बट उन्होंने प्रॉपर क्लास में आके बताया था कि मैंने किस तरीके से काम किया, और चार लोग मेरे साथ और भी थे वो इतना अच्छा नहीं कर पाए थे, तो लिटरली वो मतलब मेरे लिए ही ज़्यादातर आए थे कि वो मुझे ले सकें, बट एक्चुअली जो सैलरी उन्होंने ऑफ़र करी थी और जो ABA वाले जो मतलब जो रियल इस्टेट वाली कंपनी थी उन्होंने ऑफ़र करी थी उसमें काफ़ी डिफरेंस था। तो मैंने उनको बोला कि आप ज़्यादा नहीं सेम सैलरी ऑफ़र करो तो मैं आ सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है मैं यार किसी के मतलब दिल रखने के लिए अपने सैलरी का नुकसान तो नहीं कर सकता ना, ऑब्वियस सी बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, इससे आगे इससे ज़्यादा हम आपको नहीं दे सकते, ठीक है। अब उसमें जो रियल एस्टेट वाली कंपनी क्या थी, उसमें क्या था कि लगभग 3 महीने का या 3 महीने का उन्होंने ट्रेनिंग पीरियड रखा था कि उसमें वो स्टाइपेंड देंगे, लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड देंगे, चीज़ें सिखाएंगे हमें किस तरीके से, उसके बाद प्रॉपर एक सैलरी मिलेगी, शायद वो 17-18 के समथिंग था, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है, ये उन्होंने प्रॉपर उसमें मेल वगैरह में प्रॉपर डिस्कशन में था ये चीज़ें मेरे पास में थी, ये स्टाइपेंड मिलेगा 8 से 10 हज़ार स्टार्टिंग में, उसके बाद ये सैलरी मिलेगी। मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट किया, चीज़ें सीखी, सैलरी भी मिली 2-3 महीने की, काम किया। उसके बाद क्या MBA कंप्लीट हो गई, तो वहाँ पे एक लास्ट में ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, आपको पता कि पैसा चाहिए था, पैसा ही जो है जो चीज़ें आपसे करवाता है वही आपको मोटिवेशन देता है। तो Zomato प्राइवेट लिमिटेड करके आपने सुनी होगी, आप खाना मंगाते हो, उसका एक चैट प्रोसेस होता है जो आप लोग चैट करते हो ना कि खाना लेट हो गया या फिर हमें कूपन कोड नहीं लग रहा, जो भी सारी चीज़ें करते हो, तो चैट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली थी और किसी के थ्रू मुझे पता चला उसकी सैलरी वो ऑफर कर रहे थे 24,000, मुझे तो ज़्यादा ही सैलरी चाहिए थी ना, 18 से 24 तो ज़्यादा ही है, लेकिन उसकी पोस्टिंग थी नोएडा में, तो प्रॉपर फर्स्ट टाइम मैंने तो जो रियल एस्टेट वाला इंटरव्यू था वो भी इतना कुछ मुझे नहीं लगा था, ठीक ठाक था, नॉर्मल चीज़ें पूछी थी। Zomato वाला जो प्रोसेस था उसमें प्रॉपर टाइपिंग स्पीड, आपका जो चीज़ है क्वेश्चन भी पूछे गए थे काफ़ी सारे, कैसे कन्विंस करोगे, क्या बोलोगे, उसका प्रॉपर थ्रू आउट इंग्लिश में वो पूरा इंटरव्यू हुआ था, मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था इंग्लिश में, थोड़ा मेरा हाथ थंग था स्टार्टिंग से ही, बट मैं कर ले गया और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, पोस्टिंग मिली थी नोएडा के अंदर, तो वहाँ से मेरी जो एंट्री हुई लखनऊ से नोएडा की तरफ हुई, लेकिन वैसे मेरा प्लान नहीं था नोएडा आने का, मुझे ये लगा था कि लखनऊ में कुछ मिलेगा तो वहीं मैं सेट हो जाऊँगा, बट वहाँ से देखो जो ये चीज़ हमारे बस में नहीं होती, ऊपर वाला ही दिखते हैं, तो वहाँ से मेरी नोएडा में एंट्री हुई। अब नोएडा में हम लोग आ गए, अब नोएडा में अब देखो मैंने ज़्यादा नहीं मुश्किल से 8 से 10 दिन मैंने काम किया होगा Zomato के अंदर, पर मेरा ना अंदर से एक ऊब गया, मतलब ऐसा लग रहा था अंदर फीलिंग आ रही थी, गिल्टी सी लग रही थी कि यार MBA किया हमने, इतना बड़ा कोर्स किया, उसका चैट एग्जीक्यूटिव की जॉब कर रहे हैं यार, ये तो कोई ग्रेजुएशन वाला 12th वाला भी कर लेगा, मतलब हालांकि वो ग्रेजुएशन वाले को एंट्री थे, 12th वाले को नहीं दे रहे थे, बट एक लग रहा था ना कि MBA किया यार क्या जॉब कर रहे हैं, तो नहीं मन कर रहा था, भले सैलरी उसमें काफ़ी ज़्यादा थी 24, मतलब उस टाइम के हिसाब से ठीक थी मुझे लग रही थी, क्योंकि 18 से 24 तो ठीक ही थी। फिर उसके बाद मुझे जस्ट डायल के बारे में पता चला कि वहाँ पे वैकेंसीज है, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे प्रॉपर इंटरव्यू मेरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हुआ था प्रॉपर तरीके से, लेकिन वहाँ पे सैलरी इतनी थी, वो 20,000 समथिंग दे रहे थे, 20,000 सैलरी थी, सैलरी भली कम थी बट एक ये सेटिस्फेक्शन मुझे लग रहा था उस टाइम पे कि हाँ हमारी फील्ड की जॉब है, मार्केटिंग की जॉब है, कुछ सीखने को मिलेगा, ग्रोथ भी होगी, क्योंकि मैं एज अ चैट एग्जीक्यूटिव काम भी कर लूँगा 2 साल तो फिर वो एक्सपीरियंस कम काउंट नहीं होगा, लेकिन ये एक्सपीरियंस एटलीस्ट काउंट तो होगा कहीं पे। इस तरीके से मैं जस्ट जेल में आया, 20,000 मेरी फर्स्ट आप जो है सैलरी कह सकते हो, क्योंकि वो तो मैंने 8 दर्जन क्या ही सैलरी मिली होगी, ठीक है, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था यार एकदम अच्छे पैसे देखा था, तो जॉब काफ़ी आराम की थी, चेयर पे बैठना था बस, टाइप करते जाओ काम ख़त्म, टाइप करते जाओ काम ख़त्म, बोलना भी नहीं था उसमें, टेंशन फ्री जॉब, कैब भी थी उसमें आपको घर छोड़ने के लिए लाने के लिए, आप BPO वाले लोग जानते होंगे इस चीज़ के बारे में,
तो वहाँ से मेरी जसदैल में एंट्री हुई। तो जसदैल में मैंने काफ़ी अच्छा काम किया, चीज़ें सीखी, काफ़ी एनर्जेटिक भी था, ग्रोथ लेता गया उसमें। तीन बार मेरा इंक्रीमेंट हुआ और लास्ट में आते आते 2 साल तक मेरी सैलरी लगभग 30,000 हो गई थी उसमें से, मतलब 20 से 24, 28 ऐसे करके 30 तक पहुँच गई थी लास्ट तक आते आते। बट इसी दौरान मेरी एक शादी भी हुई थी तो खर्चे इंक्रीज हो रहे थे धीरे धीरे। अब लग रहा था कि 30,000 में काम नहीं चल पाएगा, कुछ और आगे सोचना पड़ेगा। तो वहाँ से फिर फास्ट फॉरवर्ड करते 2 साल हो गया, बायजूस के बारे में पता चला कि बायजूस एक कंपनी है जो लगभग 7 लाख का पैकेज देती है और इतने पैसे लगभग 50+ आपको अकाउंट में मिलेंगे। मतलब मुझे पहले विश्वास नहीं था, मुझे यह था कि 30-35 हज़ार ही मिलेंगे और बाकी तो एससी में TDA VA ट्रैवलर सब में काट लेंगे, मुझे ऐसा पता नहीं था कितना मिलेगा। पर और मैंने रिस्क भी लिया था क्योंकि उस टाइम ये अपना BDT प्रोग्राम होता है, बायजूस डेवलपमेंट ट्रेनिंग, उसमें होता है कि 1.5-2 महीने के लिए आपको टारगेट मिलेगा, अगर वो आपने अचीव कर लिया तो एज अ BD आप ज्वाइन हो जाओगे, अगर नहीं किया तो आपको एग्जिट करा दिया जाएगा। तो उस केस में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता क्योंकि BD तो बन ही नहीं पाऊंगा और जसदैल में जाता थोड़ा ऐसा बेइज्जती सी महसूस होती ना कि पहले छोड़ के फिर वापस आ गए, वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, मुँह लटका के आ गए। तो बड़ा एक रिस्क वाला डिसीजन था मेरा कि यार हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर भी मैंने रिस्क लिया कि देखो रिस्क लोगे तभी रिवॉर्ड मिलेगा, तभी आपको चीज़ें पता भी चलेंगी आप कहाँ तक हो, ठीक है, नहीं तो आज भी शायद मैं वही 30,000 की जॉब कर रहा होता, ठीक है। ठीक है, तो वहाँ से फिर बात बनी बायजूस के अंदर। बायजूस में मैंने ट्रेनिंग करी, मतलब पहले तो इंटरव्यू हुआ 3 राउंड का, मुझे नहीं लगा था कि मैं इंटरव्यू क्लियर कर पाऊँगा लिटरली। बहुत काफ़ी लोग बोलते हैं ना बहुत टफ इंटरव्यू होता है, ऐसे बोलते हैं यार ये सब पूछते हैं वो पूछते हैं, लेकिन मेरा ऑन द स्पॉट ही उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हाँ आपका हो गया है और इस डेट से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसके बाद फिर मेरा BDT प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, क्लासरूम प्रोग्राम हुआ, उसके बाद मुझे ऑन जॉब OJT के लिए हम लोग आए, OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर चीज़ें सिखाई गई, वहाँ पर टारगेट मिल गया। और वहाँ पर ना बिल्कुल भी मैंने से बिल्कुल टेंशन नहीं लिया था कि होगा कि नहीं होगा, बस मैंने ये था कहा था कि बस देखो यार मुझे अपना 100% देना है, बाकी होना नहीं होना तो वो तो आगे रिजल्ट पर डिपेंड करेगा, कि मुझे अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़नी है। तो जो मेरे इनपुट्स थे प्रोसेस थे वो मैंने प्रॉपर उसको फॉलो किया था कि क्या मुझे करना है पर डे, उसमें मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, लिटरली जो कोई कमी मैंने नहीं छोड़ी वो मैंने पूरा अपना 100% दिया और टारगेट ईजिली अपने आप अचीव हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था उसके टारगेट के बारे में। तो इस तरीके से BDT से हम BDA में कन्वर्ट हुए और अभी फ़िलहाल हम एज ए BDA काम कर रहे हैं बायजूस के अंदर। तो यहाँ तक की मेरी जर्नी अभी तक मैंने एक्सप्लेन करी है, ठीक है। और एक प्रॉपर वीडियो मैं लाने वाला हूँ गाइस आप लोग के लिए कि जहाँ पर हम बात करेंगे कि अपना ये जो BDT मैंने जो टारगेट है वो कैसे अचीव किया। एक आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है लिटरली यार, वो काम करता है। अभी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप भी आगे चल के थोड़ा अच्छा ही लगे इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक वीडियो में प्रॉपर बात करूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या, वो टारगेट या फिर आपकी जॉब में कैसे हेल्प करता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से करना होता, तो वो चीज़ मैं एक वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये जर्नी मेरी पसंद आई होगी कि मैंने MBA कहाँ से किया, क्या मेरा कॉलेज था, क्या स्पेशलाइजेशन थी, स्पेशलाइजेशन क्यों ली, उसका फर्स्ट जॉब क्या थी, सेकंड जॉब क्या थी, क्या सैलरी थी, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें कोई भी चीज़ छुपा। तो काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि सैलरी बतानी नहीं चाहिए, ये सब करना नहीं चाहिए, अगर मैं सब चीज़ नहीं मानता हूँ, मेरा मतलब जो मेरी फैमिली है उसके साथ सारी चीज़ें शेयर होनी चाहिए और ये चीज़ें कोई शेयर नहीं करता है। तो वो फालतू चीज़ें बताएंगे यार MBA में ये होता है वो होता है, यार देखो गाइज मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो भी अच्छी चीज़ बताते हैं, बट मैं आपको ग्राउंड लेवल की चीज़ बता रहा हूँ जो मैं एक्चुअली फील करता हूँ। मैं थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा होता है, ऐसा होगा, ये ट्रेंड कहते हैं, वो ट्रेंड ये देखो, जो मैंने देखा है, जो एक्सपीरियंस किया वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उस पर मैं बिलीव करता हूँ, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ऐसा ही कंटेंट आप देखना चाहते हो, चीज़ आप खुद भी मोटिवेट होना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी जा सकते हो। और कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मेरी इंस्टाग्राम ID ऑलरेडी मैंने दी हुई है, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ, @ShubhamSharma SPTRN, आप मुझे वहाँ डायरेक्ट मैसेज करके कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं किसी वीडियो के लिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू, बाय बाय।